साहब जा रहे शादी के, तो शाम साहब के कपड़े तैयार कर रहे, छुट्टी रहा जी साहब से कपड़े ड्रेस कर रहे जी साहब ने थोड़ी पर तैयारी कर दो, बस टाइम होया तो कपड़े सारा पा लिए और सुबह साहब और क्या साहब है इसकी कन्या तो मैं क्या कर दो, बहुत गर्मी हो गया मैं क्या नाला पा दो, तो उस बात को कपड़े ड्रेस कर ना सब ड्रेस कर दो साहब कले जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हमारी दोस्त बात है कहीं कुछ गांधक ज्यादा छोटा है तो मैं पता ही चाहूँगा मैं चलो चाहिए और फिर चल कुछ कले चल दो दूर बहुत ज़्यादा तो इसलिए फिर साहब जा रहे कपड़ा नाल पा लिया मम्मी साहब से तैयार हो गए उस बाद शादी तो जाने की तैयारी हो रही है जी। यार नवा सूट सिलाया सी इत्ते कॉटन का डबल सिलाई करा के अज ये पाग जा रहा हूँ तो जुत्ती जी नवी ला के आया जी पैसे तो चनासी कार्ड पाता जेब च है चलो सही पैसे भी तो शनासी कार्ड भी जेब पा दे साफा इस तो प्रेस करवा रहे हैं जी कि वापसी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है क्योंकि एक दो बजे वापसी होनी है तो फिर आने लगे जरा ना सवार के मुल वेट के तो फिर आवेंगे उधर तो बहुत धुप होनी है गर्मी बड़ी ज़्यादा होनी है रुमाल मेरा भी नहीं है इतने रुमाल भी दो मैं ठीक है मैं हूँ ना आवा तो तुम पैसे भी जेब जेब के पा देवो तो वह भी कर दौ रुमाल भी रख दो लिया के इतना रहमान रहीम असलाम वालेकुम साढ़े दुआ साढ़े भैन भरावान तेरा खुश रखे छदो बाद रखे इस तरह करते हैं अभी की वीडियो शुरू अभी वीडियो शुरू करने के बाद छोटी जी गुजारिश भैन भरावान साढ़े चैनल अस भी सबसक्राइब नहीं किया सारा चैनल अस भी सबसक्राइब करो तो बैल का बटन लाजमी प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो तक कर दें अभी वीडियो शुरू मैं शादी से पहुँच गया हो सामने रोड के उ छोटी जी महामार्ग बनाई हुई है तो अगे जी डेरे के घर बड़ी महामार्ग बनाई है उस साइड के उ सामने चलते हैं शादी वाले घर चल के फिर देखते हैं शादी वाली जगह तो मैं पहुँच गया हो तकरीबन 9 बजे की बरात सी मैं तो 9 बजे पहुँच गया जिदा कि सारे अपने पता जी बरात नज़दीक होंगी है वो हमेशा लेट ही निकलती है 9 बजे की बरात सी 9 बजे मैं पहुँच गया तकरीबन हम 10 बज गए हुए तो फिलहाल तो घर वाले जो मेहमान उधर में चक्कर ला के आया तो अजे नॉर्मल रूटीन में टुरे फिर रहे हैं इस वक्त हजे 10-11 बज 12 भी बज सकते बरात की तैयारी मुकम्मल हो रही है शीशे के टेबल तो शीशे के टेबलों में अच्छी तरह अखबार वगैरह लगाने शुरू कर दिते हुए है पूरा शादी हाल जिन्ना प्रोग्राम तकरीबन सही कितने कुर्सी लगाई है जी 400
400 कुर्सी लगी है भाई, शादी हाल जिना प्रोग्राम 400 कुर्सी लगी खड़ी है, 400 शादी हाल जिना प्रोग्राम 400 कुर्सी लगी हुई है। तो बाकी जड़ा वा दूसरी साइड दे लेडीज़ प्रोग्राम, दूसरी साइड दे इधर जेंट्स है सारा। साइड के उत्ते लेडीज प्रोग्राम इन्हों का, लेडीज उन्होंने वास्ते खाने वास्ते टेबल लगा रहे। अच्छा जी, ये है लइए शहर के खाना बनाने वाले भाई हुणी, ये काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। सर जी, केड़ी केड़ी शहर कि तैयार हो गई हैं? 25 तक तैयार हो गई। ये गोश्त दी तैयार हुई हैं? बड़े गोश्त दी हैं। दिखाओगे कहो जहाँ गोश्त बने देगा? माशाल्लाह, ये गोश्त दी देगा तैयार हुई पियाँ सैड बड़े गोश्त दी। जड़ियाँ उपर रखी हुई चावल है, ये भी गोश्त दी है? ये भी गोश्त दी है। इधर जरदा चावल जो रखने हैं पका लिया है, वो भी लत्थे पे है। चलो दिखाने हूँ जरदा चावल, इन्होंने बड़े उस्ताद जड़े साथ दे रहे भाई उन्हें का, वो जड़े तो जी आओ तो वह दिखाओ तो जो जरदा बनाया तुम दम दिता है। चलो ठीक हो गया जी, तो दम खोल लवेंगे तो फिर देख लवेंगे। ठीक है जी, मुर्गा पकना ठीक हो गया। काफ़ी मेहनत करके प्याज टमाटर नींबू हर चीज़ जी तैयार करके रखी हुई है। पाकिस्तान में देखा ना माहौल ही अपना है जी। जरदियाँ के पाने वास्ते माल तैयार किया, जो जरदे पाने वास्ते ही माल तैयार किया। इस साल ने जरदे पाने वास्ते माल तैयार किया जी। इस साइड तो हवेली सी, तो हवेली के सारा खाना जो पक रहा है। इस चावल भी टप्पा पा दिते, बस हम सरदा जो तैयार करन लगे, बाकी सारा माल तैयार हो गया। इधर साइड ट्राली के उत्ते गोश्त बन रहा, नाल पक्की भी जा रहा तो बनी भी जा रहा नाल। और सामने छां के उत्ते मुर्गे वाले जिहड़े मुर्गा बना रहे उत्थे बैठे हुए, कुछरिया की छां जी है आसरा लैके बैठे है, काफ़ी छां उस जगह। देखिए उस्ताद बंदा वा, बिजली गई हुई है तो हूँ देख ज पानी जरा वा वो नलका गेड़ के हैंड पंप जिन्होंने कहें है साढ़े सब है। नलके का पानी तो बहुत ठंडा निकलता होना जो तो गेड़ देने यार गर्मी बहुत काफ़ी हो गई है,